है। अच्छा मूंग की दाल है, मूंग की दाल है। और ये साथ में आ गई, ऊपर से अपन प्याज डाल देते। अच्छा ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड टूर इंदौर। एंड आज हम लोग आ चुके थे SSDN दाल पकवान खाने, जो कि लोकेटेड है नियर बाय सिंधी कॉलोनी। तो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं भैया के पास। वैसे यहाँ से दूर से देख सकते हो आप लोग, दाल पकवान और दाल पूरी दोनों ही दिख रहा है। 20-20 रुपीज़ रेट है। और हम लोग ना जैसे किसे बोलते हैं सिंधी पिज़्ज़ा, तो हम लोग आ चुके थे सिंधी पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं करते हैं बात। हाय भैया। हाय, कैसे भैया? ठीक ठाक है। आपका नाम? नरेश कुबानी। अच्छा नरेश भाई, कब से अपनी कार्ड यहाँ पे? अपने 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। अच्छा नरेश भाई, साथ में आपके ये पिताजी हैं मेरे। अच्छा पापा है आपके? हाँ। ओके, मतलब आप दोनों मिलके मतलब टाइप से काम वर्किंग हाँ। कर रहे हो। अच्छा भैया, अपनी शॉप का टाइमिंग क्या होता है वैसे? अपने सुबह को 7:30-8 बजे आ जाते हैं। 7:30-8 बजे। हाँ। और कब तक रहेगा? दोपहर को 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक रहता है। और भैया और क्या होता है हमारे पास? जैसे कि एक तो ये सिंधी पिज्जा हो गया हमारा, जैसे कि दाल पकवान और दाल पूरी भी होता है। दाल पूरी कब स्टार्ट होगा भैया हमारा? अभी तो स्टार्टिंग नहीं, अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अच्छा मतलब तो स्टार्ट हुआ नहीं है फाइनली, अभी इसी में फुर्सत नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। और भैया एक हमारे यहाँ पे दाल पकवान लगा दीजिए आप। अच्छा। और भैया एक बार हमारी लोकेशन बताएंगे आप? लोकेशन क्या पड़ेगी अपनी? लोकेशन अपनी सिंधी कॉलोनी। अच्छा सिंधी कॉलोनी पड़ेगी। मैं हमारा ले लिया पकवान। पकवान क्या क्या होता है भैया हमारा? ये पकवान है, पकवान के साथ दाल आती है अपनी। अच्छा नहीं, किस चीज से बनता है? मैदे का होता है हमारा पूरा? ये मैदे का होता है। ओके, और ये चेक कीजिए क्या है हमारे भैया? ये मूंग में। अच्छा मूंग की दाल है। मूंग की दाल है। और ये साथ में आ गई, ये चाट में आ गई चने की दाल। अच्छा चने की दाल। सो ये देखिए, मूंग की दाल और चने की दाल दोनों मिक्स कर दी गई हमारी। ये चटनी डालते हैं और ये हरी चटनी हमारी आ गई, इसमें खट्टी मीठी। और ये आ गई हमारी लाल मिर्ची। लाल मिर्ची, ये खट्टा करने के लिए अमचूर। अमचूर आ गया है। और ये काली मिर्ची। और ये काली मिर्ची आ गई है। ऊपर से अपन प्याज डाल देते हैं। अच्छा ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज आ गया हमारा। और साथ में दे दी हमें ग्रीन कैप्सूल्स। क्या बात है, तो जिसको तीखा खाना उसके लिए ग्रीन कैप्सूल अलग से भैया ने यूज किया गया। और ये हमारी प्लेटर रेडी हो चुका है। और भैया प्राइस क्या होगा हमारा? ये अपने 20 रुपए। 20 रुपए। ओके चलिए, फाइनली हमारे यहाँ पे दाल पकवान आ चुका था। एंड जैसा कि भैया ने बताया था, इसके अंदर ना दो टाइप की हमारी दाल यूज़ की, चने की दाल और मूंग की दाल, ठीक है। उसके साथ में हमारे मसाले डाल दिए गए थे, जो कि अमचूर भी था जो खट्टा मीठा बना रहा था, और साथ में काली मिर्ची। तो टेस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट मसाले तो मुझे याद है, जीरावन हालांकि इसमें यूज़ नहीं किया गया। अगर आपको अलग से जीरावन लेना है तो आप लोग ले सकते हो। और ये हमारा पकवान होता है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसे आप लोग देखेंगे तो सिंधी पिज़्ज़ा ही बोला जाता है इंदौर में, ठीक है। और कहीं कहीं और भी बोला जाता होगा, मुझे पता नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट की बाइट कैसी होती है? लाइक जो फर्स्ट टेस्ट आया वो हल्का सा खट्टा मीठा भी आया, और लास्ट में आगे ये लास्ट में फील करवा रहा चरखा ने इसका, ठीक है। एट लास्ट जब अभी मैंने पूरा खा लिया तो मेरे को तीखा लग रहा है। तो एक टेस्ट और लेते हैं इसका बाइट। हमारा पकवान जैसे कि बहुत क्रिस्पी है, ठीक है। और ओवरऑल हमारी दाल जो है हल्की सी तीखीनेस पे है, जो कि हमारी बोल सकते हैं मूंग की दाल है। और हमारे जो मसाले ऊपर से डाले गए थे बड़े चटपटे थे, सो हल्का फुल्का स्पाइसी भी है, हल्का फुल्का खटास भी इसके अंदर। सो ओवरऑल 20 रुपीज़ में बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे हैं। तो आप लोग आओ ज्वाइन करो सिंधी कॉलोनी भैया की शॉप है, कार्ड भैया यहाँ पे लगाते हैं। सो हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।